हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैड फ्रेंड द सीरीज के एपिसोड 4 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी जगह से होती है जहां ओआ का एक्स बॉयफ्रेंड कार में उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था और वो ओआ से ये कह रहा था कि ओआ का नया बॉयफ्रेंड कहाँ है, और ओआ रोते हुए कंटिन्यू हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। तभी दिखाया जाता है कि किंग वहां आकर उस लड़के को कार से निकालकर पंच मारता है। वो लड़का किंग से पूछता है कि वो कौन है। किंग उसे कहता है कि वो ओआ का बॉयफ्रेंड है, और अगर उसने दोबारा कभी भी ओआ को तंग किया तो किंग उसे नहीं छोड़ेगा, और वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। ओआ कार में बहुत रो रहा होता है, वो बहुत डरा और सहमा होता है। किंग उसे प्यार से कार से बाहर निकालता है और उसे संभालने लगता है। आगे दोनों को बाहर बैठे दिखाया जाता है। किंग उदास होता है, वो ओआ से पूछता है कि क्या ओआ सच में ठीक है। ओआ उसे कहता है कि हाँ वो ठीक है। किंग उसे गुस्से में कहता है कि किंग को ओआ के एक्स बॉयफ्रेंड को और भी जोर से मारना चाहिए था। ओआ उसे कहता है कि क्या किंग को कहीं चोट लगी है। किंग सर हिलाकर ना कहता है कि उसे चोट नहीं लगी। ओआ किंग को उसके हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। किंग उसे कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, और उसे तो ओआ की हेल्प करनी ही चाहिए थी, और उसे ये बात पता थी कि वो लड़का ऐसा कुछ ट्रिक जरूर यूज करेगा, पर अगर किंग वहाँ पे टाइम में नहीं आता तो वो लड़का ओआ का रेप जरूर कर देता। ओआ इस वीक से किंग के साथ रहने के लिए आ जाए। किंग और ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहता, ओआ सर हिलाकर उसकी बात मान जाता है। तभी ओआ किंग के हाथ पे चोट देखता है और उसके हाथ को प्यार से पकड़कर फूकने लगता है। किंग स्माइल करने लगता है और ओआ से कहता है कि ओआ उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैसा इंसान डिजर्व नहीं करता, और अब आगे से अगर ओआ को किसी को डेट करना हो तो किसी अच्छे इंसान को डेट करे। ओआ स्माइल करके कहता है कि वो अनलकी है, तो उसे हमेशा बुरे इंसान ही मिलते हैं। किंग उसे कहता है तो किंग के बारे में उसका क्या कहना है, क्या वो बुरा इंसान है। ओआ उसे कहता है कि किंग खुद से गेस करे। किंग उसे कहता है कि क्या वो अपने हेल्पर से ऐसे बात करता है। ओआ उसे कहता है पर उसने किंग को पहले ही थैंक यू कह दिया। किंग उसे कहता है कि उसे थैंक यू नहीं चाहिए, क्या उसे कुछ और मिल सकता है। ओआ ये सुनकर स्माइल करने लगता है और उसे कहता है कि अगर उसे इससे ज्यादा कुछ और चाहिए तो यहाँ से वापस चलते हैं, और दोनों स्माइल करने लगते हैं। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग इंटीमेट हुए थे, और ओआ नींद से सोया होता है। किंग प्यार से उसके चोट पे दवा लगा रहा होता है। ओआ के घटिया बॉयफ्रेंड ने जब उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी तभी उसे ये सारी चोटें लगी थी। वो ओआ के सर पे प्यार से किस करता है और उसके चोट पे फूकने लगता है, और दिखाया जाता है कि ओआ जगा हुआ होता है और वो धीरे धीरे स्माइल करने लगता है। आगे सीन चेंज होकर ओआ के बर्थडे का दिखाया जाता है जहां ओआ नींद से सोया होता है और उसे कई सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। सबसे पहले उसे किंग ने ही बर्थडे विश किया होता है, और उसके साथ ही ऑफिस के सारे लोगों ने भी। ये सब देखकर ओआ खुश हो जाता है। तभी उसके घर पे जेड आता है। वो अपने हाथ में बलून लेकर आता है और आकर उसे हग करता है, उसे बर्थडे विश करता है और उसे बहुत सारे गुड विशेस कहता है। वो ओआ को साथ में लंच करने की बात करता है। वो उसकी बात मान जाता है पर उसे कहता है कि उसे पहले टेंपल जाना है। वो जेट को बिठा कर बात लेने जाता है। तभी उसके पास उसके सिस्टर तोनकाओ का कॉल आता है और वो ओआ को बर्थडे विश करती है, उसे बहुत सारे गुड विशेस बोलती है और उसे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। ओआ भी उसे आई लव यू टू बोलता है। ओआ बहुत खुश होता है। तभी उसकी सिस्टर उसे घर आने को कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस
कर रही है। आज का दिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज ओआ का बर्थडे है। वो कभी भी घर पे क्यों नहीं आता और प्लीज वो आज घर पे आ जाए। घर जाने वाली बात सुनते ही वो उदास हो जाता है, पर वो अपनी सिस्टर से कहता है कि ठीक है वो घर पे आएगा, पर उसे पहले टेंपल जाना है। उसकी सिस्टर कहती है कि ठीक है, वो मॉम के साथ मिलकर बहुत सारा खाना बनाएगी। कॉल कट करने के बाद वो सैड हो जाता है। आगे वो अपने घर पे जाता है। उसके सिस्टर उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि वो मुड़कर आंखें बंद करे और चीटिंग ना करे। वो उसकी बातें सुनकर स्माइल करके आंखें बंद करता है और उसकी सिस्टर उसे उसका बर्थडे गिफ्ट लाकर देती है। उसने खुद से पेंटिंग बनाई होती है। वो उसे देखकर खुश हो जाता है और उसकी सिस्टर ने उन दोनों की फोटो बनाई होती है और उस पे लिखा होता है कि वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तभी उसकी मॉम उसे आकर उनके साथ हेल्प करने को कहती है। वो देखती है कि वो आ चुका है, पर वो ओआ को हैप्पी बर्थडे भी नहीं कहती, ना ही उससे कुछ भी बात करती है। पर ओआ अब भी उस पेंटिंग की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा होता है। तभी वहाँ पे वो घटिया स्टेप फादर आ जाता है, जिसे देखकर ओआ घबरा जाता है। पर वो आदमी ओआ को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि क्या ओआ आ गया, वो उसका वेट कर रहा था, उसने ओआ को लंबे टाइम से नहीं देखा। ये कहकर वो उसे टच करने जाता है और उसे भागकर डाइनिंग टेबल पर बैठने जाता है। वो आदमी वहाँ भी उसके पीछे आकर उसे जबरदस्ती बातें करने लगता है कि वो कैसा है। वो का उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर वो उसे कहता है कि वो ठीक है। तभी उसकी माँ आकर कहती है कि वो ठीक ही होगा, वो ऑफिस में काम करता है, हर महीने उसे सैलरी मिलती है। तभी वो आदमी वो के मॉम और सिस्टर को पानी लाने भेज देता है। वो भी वहाँ से जाने लगता है, पर वो आदमी वो का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो घबरा जाता है और उस आदमी से कहता है कि क्या वो ये सब वो के साथ करना बंद करेगा। पर वो आदमी जबरदस्ती उसके चेहरे को छूने लगता है और कहता है कि वो उसके तरफ देखे। तभी हमें पास्ट की एक बहुत ही बुरी याद दिखाई जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि ओआ नींद में सोया हुआ था और वो आदमी उसके बिल्कुल करीब आकर उसे देख रहा था। तभी ओआ की नींद खुलती है और वो घबरा जाता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। पर वो आदमी ओआ के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो बहुत रोता है, सबको आवाज लगाता है, पर कोई भी उसके हेल्प करने नहीं आता और ना ही वो आदमी ओआ पे तरस खाकर उसे छोड़ता है। बहुत ही मुश्किल से ओआ उस आदमी को अपने आप से दूर हटाता है और वो चाकू निकाल कर उसे रोकता है, पर वो आदमी कहता है कि ओआ शांत रहे और शांत होकर बातें करती है, उसने तो ओआ के साथ कुछ भी नहीं किया। ओआ रोते हुए कहता है कि वो ओआ से दूर रहे वरना ओआ उसे चाकू मार देगा। ये कहकर वो रूम के बाहर जाता है और अपनी मॉम को जाकर रोते हुए ये सारी बातें बताता है, पर उसकी मॉम उसकी इन सारी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और उसे कहती है कि क्या वो पागल हो गया, ये सब कुछ वो क्या कह रहा है, वो उसे जान से मार डालेंगी। वो रोते हुए कहता है कि वो सब कुछ सच कह रहा है। उसकी मॉम कहती है क्या वो का अकेले गे होना काफी नहीं है और वो अब अपने फादर को भी इन सब में खींच रहा है। ये कहकर वो उसे मारने लगती है। वो बहुत रो रहा होता है। तभी वो आदमी भी वहाँ पे आ जाता है। ओआ की मॉम कहती है कि ओआ बकवास कर रहा था। ओआ रोते हुए कहता है कि वो सच कह रहा है, पर उसकी मॉम इतने में नहीं मानती और वो उसे बाथरूम पे बंद करने ले जाती है। वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर उसकी मॉम उसे वहाँ अंधेरे में बंद कर देती है। वो बहुत रो रहा होता है और वो अपनी मॉम को सॉरी बोल रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है कि
उसे डर लग रहा है, पर उसकी मॉम को उस पे जरा सा भी तरस नहीं आता और वो अंधेरे में डरा और सहमा सा कंटिन्यू रो रहा होता है। कोई मॉम ऐसे कैसे हो सकती है कि वो अपने बच्चे की बात पे जरा सा भी भरोसा ना करे और हर बार उसके साथ इतना बुरा सलूक करे। हम लोग ये बात तो जानते हैं कि सौतेली माँ हमेशा ऐसी होती है। स्टेप मदर्स को लेकर हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि स्टेप मॉम्स अपने स्टेप चिल्ड्रंस के साथ ऐसा ही सलूक करती हैं। उन्हें हर बात पे मारना, उनकी बातों पे भरोसा ना करना, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करना। पर क्या अपनी मॉम भी ऐसा कर सकती है? ऐसे मॉम के होने से ओआ का अनाथ होना ही ठीक था, क्योंकि वैसे भी उसने पूरी लाइफ खुद से स्ट्रगल की है और वो आज भी खुद ही स्ट्रगल कर रहा है। इससे तो ये अच्छा होता कि उसकी कोई मॉम ही नहीं होती। उसकी मॉम की ही वजह से वो शैतान इंसान भी उनके साथ रहता है और वह का बचपन ऐसे घटिया घर में बीता है। अगर वह अनाथ होता तो उसका कोई भी स्टेप फादर नहीं होता और वह को इतनी गंदी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। स्टोरी अगेन प्रेजेंट में आ जाती है जहां वो आदमी वह से ये कह रहा होता है कि उसे वह से बात करनी है। वह रोते हुए उसे कहता है कि वह वह को छोड़ दे, तो वो आदमी उसका हाथ छोड़ देता है। तभी उसकी मॉम और सिस वापस आ जाते हैं। वह उन्हें कहता है कि वो वापस जा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वह की बहन और वो आदमी उसे जाने से रोकने लगते हैं। वह गुस्से में उस आदमी का हाथ हटाने जाता है और जिससे उनकी फैमिली फोटो नीचे गिरकर टूट जाती है और वह की मॉम वह पे चिल्लाने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया और वह रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वो अपने कार में जाने लगता है और उसकी सिस्टर रोते हुए उसके कार के पीछे भागने लगती है। ये देखकर वो अपनी कार रोकता है। उसकी सिस्टर आकर वो से माफी मांगती है कि उसी ने वो को आज यहाँ पे बुलाया था। अगर वो उसे ना बुलाती तो ये सब नहीं होता। वो उसे कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है और कोई बात नहीं, वो जाकर खाना खा ले। उसकी सिस्टर रोते हुए कहती है पर आज वो का बर्थडे है। वो कहता है पर कोई बात नहीं और वो अंदर जाए। उसकी सिस्टर कहती है कि क्या वो लोग नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। वो उसकी बात सुनकर स्माइल करता है पर वो मुड़कर रोने लगता है। वो दोनों रो रहे होते हैं। आगे उसे जाते दिखाया जाता है। रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। रात हो जाती है। वो कार एक जगह रोक कर किंग को कॉल करता है। किंग उस वक्त अपने घर पे होता है। वो ओआ से कहता है कि क्या वो किंग को मिस कर रहा था। ओआ उसे कहता है कि क्या किंग अपने रूम पर है। किंग उसे कहता है कि क्या ओआ उसके रूम पे आ रहा है। आगे ओआ किंग के घर पे जाता है और वो घर के अंदर जाते ही किंग के करीब आ जाता है। किंग बहुत खुश होता है और वह उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। वो किंग को किस करने लगता है और साथ ही वो उसे सिड्यूस कर रहा होता है और वो जाकर फर्श पे बैठ जाता है। किंग उसके करीब आने लगता है और उसके करीब आकर उसे रियलाइज होता है कि कोई बात जरूर है, कुछ जरूर हुआ है। वो वह से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। वो परेशान लग रहा है। वह उसे कहता है कि हाँ थोड़ा सा। ये कहकर वो वहीं लेट जाता है। किंग उसके सर पे हाथ फेरने लगता है और उसे कहता है कि क्या वो पहले बात लेना चाहेगा और उसे अच्छा फील होगा। वह उसकी बात मान जाता है और किंग उसे हेल्प करके उठाता है। वह बात लेने चला जाता है और किंग सैड होकर वह की तरफ देखने लगता है और हम ये बात समझ सकते हैं कि किंग वह को बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है। मुझे लगता है कि वो जरूर वह को लंबे टाइम से प्यार करता है। वह को किसी के भी साथ देखने पर हमेशा जलस हो जाता है। उसे तकलीफ में देखने से वो सैड हो जाता है। उसकी हमेशा हेल्प करना चाहता है, हमेशा प्यार से उसका ख्याल रखता है। जब वह सोया हुआ होता है तब वो उसके जख्मों पे दवा लगाता है और ऐसा फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले लोग तो नहीं करते होंगे।
इनका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा प्यारा है। भले ही दोनों ने फ्रेंड्स विद बेनिफिट के साथ शुरुआत की है, पर मुझे एक बार भी नहीं लगा कि दोनों किसी भी तरह के बेनिफिशियल रिलेशनशिप में है। जिस तरह से किंग ओआ के लिए पागल है, उस तरह से हमेशा लवर्स ही पागल होते हैं। जैसे कि उसका ओआ से ये कहना कि वो सोते वक्त उसे देखना चाहता है, उसका ओआ से बार बार ये कहना कि वो आकर किंग के साथ रहने लगे, ऑफिस में हर काम में उसकी हेल्प करना, किसी को भी ओआ के करीब देखने पे जलस हो जाना, उसे उदास देखने पे खुद भी सैड हो जाना, ये सारी चीजें बताती हैं कि वो ओआ से कितना ज्यादा प्यार करता है। और मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।